हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स, स्वागत है आपका पाइथन सीरीज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर डिक्शनरी के बारे में। तो डिक्शनरी को लिखने के लिए मैंने लिखा डी इज इक्वल्स टू, हम लोग एक कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर की और वैल्यू होता है। याद रखिएगा ये बात, हम लोग हमारे पास डिक्शनरी में क्या होता है, एक की वैल्यू पेयर होता है, हर की एक वैल्यू होगी और यही चीज हम लोग इसको डिक्शनरी के नाम से जानते हैं। जैसे नॉर्मल डिक्शनरीज होती हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वाली, उसमें आपने क्या देखा होगा कि एक वर्ड होता है उसकी मीनिंग होती है, मतलब हर की के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वैसे ही यहाँ पे डिक्शनरी में भी हमारे पास हर की के साथ कोई ना कोई वैल्यू होगी। मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, मैंने इसकी की बनाई वन और इसकी वैल्यू में मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ, ये चीज हुआ। फिर मैंने स्ट्रिंग एक इसकी की बनाई टू और इसका जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, टपल दे दिया मैंने 34, 56 एंड 78। लास्ट हमारे पास मैंने इसका जो एक और की बनाया, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मैंने यहाँ बना दिया और इसकी वैल्यू मैंने क्या दे दी, स्ट्रिंग दे दी। कोई कंपल्शन नहीं है कि की आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए या बूलियन होना चाहिए या इंटीजर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है। आप की कुछ भी रख सकते हो और उसकी वैल्यू भी आप कुछ भी रख सकते हो, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। मैंने इसकी की देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसकी की जो बनाई वो बनाई मैंने टपल 12.3, ये इसकी एक की है और इसकी वैल्यू में मैंने क्या दिया, खुद एक डिक्शनरी मैंने दे दिया, मैंने लिखा नेम और नेम के साथ इसकी वैल्यू क्या जाएगी, अमित। तो अब अगर आप ए को देखोगे तो ये पूरी डिक्शनरी आपके पास आ गई, वन की वैल्यू ये है, टू की ये, फिर उसके बाद इधर वाली लेफ्ट साइड वाली सारी कीज हैं, कोलन के लेफ्ट साइड वाली और कोलन के राइट साइड वाली क्या है, सारी वैल्यूज हैं। तो अब हमें किसी भी एलिमेंट को अगर निकालना है तो मुझे कैसे निकालना होगा, मैंने लिखा ए ऑफ वन, तो डिक्शनरी की मुझे वो वैल्यू दिखाओ जिसकी की क्या है, वन। डिक्शनरी जो हमारी ए है, मुझे वो वैल्यू दिखाओ जिसकी की है वन। तो मैंने इसको एंटर किया तो इसकी वैल्यू आ गई, वैल्यू क्या आ गई, 12.5467। एक लिस्ट है तो लिस्ट के अगर एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, आप मुझे जिसका जीरो एलिमेंट दिखाओ, देखिए सिर्फ एक 12 आपके पास आ गया। आप इसको कर क्या सकते हो, डॉट सॉर्ट लिखो, सॉर्ट लिखने के बाद आप फंक्शन चला दो लिस्ट का। अब आप ए को चेक करो, देखो आपका ए का जो लिस्ट है वो सॉर्टेड है, मतलब डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल होती है, डिक्शनरी के एलिमेंट में चेंजेस हो सकते हैं। हमारा टपल क्या था, इम्यूटेबल था, मतलब हमारे टपल के एलिमेंट में चेंजेस नहीं हो सकते हैं। इसी तरह आपको एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को आप एक्सेस मार सकते हो। मैंने लिखा ए ऑफ 2+3j, उसका मुझे वैल्यू दिखाओ जहां पे की 2+3j है। तो देखिए 2+3j वैल्यू पे, ये की पे ये वैल्यू है तो ये मेरे पास आ गया। ए ऑफ मैंने लिखा यहाँ पे फॉल्स, तो फॉल्स पे मुझे क्या मिला, सॉरी ये फॉल्स ऐसे स्ट्रिंग में नहीं है, फॉल्स ऐसे ही है विदाउट स्ट्रिंग, देखिए बूलियन। मैंने यहाँ पे क्या, जहां पे फॉल्स है वहां पे तुम क्या रख दो, बूल वैल्यू। अभी सिर्फ बूलियन लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा, जहां पे फॉल्स है वहां पे क्या रख दो, बूलियन वैल्यू। तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, ए ऑफ, अब फॉल्स की जगह पे क्या आ गया, बूल वैल्यू। इसी तरह अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो जैसे आप डिक्शनरी लिखोगे, डिक्शनरी का नाम ब्रैकेट लगा के उसकी की और इक्वल्स टू लगा के उसमें हो जाएंगे चेंजेस। इसके बाद हमारे पास बात आती है डिक्शनरी बनाने के एक और मेथड की, कि हम लोग किस तरह से डिक्शनरी को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल्स टू डिक्ट ऑफ और फिर मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 12, कि a की है उसकी वैल्यू क्या है, 12। सिमिलरली b इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे दे दिया 12, 34, 56 एंड देन मैंने क्या कहा, c इज इक्वल्स टू, मैंने एक लिस्ट दे दी यहाँ पे 12, 9, 5, 4, 6, 78। अगर आप a को चेक करोगे तो ये देखिए ये भी आपकी क्या आ गई, एक डिक्शनरी आ गई। तो डिक्ट कीवर्ड के साथ हमें किस तरह से डिक्शनरी फॉर्म करनी है, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। इसके बाद हमारे पास क्या है,
हमारे पास जनरल फंक्शंस हैं। ये जनरल फंक्शंस हम लोग लिस्ट में भी देखते आए हैं और टपल में भी देखते आए हैं। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में चार वैल्यूज है हमारे पास, वन की उसकी वैल्यू हेलो, 11 की उसकी वैल्यू भी हेलो, फिर फॉल्स, फिर उसकी जो की है फॉल्स की उसकी वैल्यू 90, और 123, 1234.56 इसकी जो वैल्यू है वो है 7। अब जनरल फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो हमारे पास है लेंथ फंक्शन। ये लेंथ फंक्शन क्या दिखाता है कि हमारे डिक्शनरी में नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, मतलब चार नंबर ऑफ आइटम्स हैं तो इसने यहाँ पे दिखा दिया चार। अगर मुझे इसके बैकएंड में जो फंक्शन चलता है डी डॉट अंडर स्कोर len ऑफ दिस, तो यहाँ पे इसने मुझे सेम चीज यहाँ पे दिखा दी। अगर मैं लिखूं मैक्स ऑफ डी, तो मैक्स ऑफ डी इसमें मुझे क्या दिया 1234.56। क्यों? अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसकी सारी कीज को क्या रखा है, इंटीजर रखा है। ध्यान से देखिएगा, इसकी कीज है 1, 11, फॉल्स और 1234.56। तो इस कीन इन कीज के बेसिस पे इसने मुझे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दी है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे लिखा मिनिमम ऑफ डी, तो मिनिमम ऑफ डी हमारा क्या है, फॉल्स, क्योंकि फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं लिस्ट ऑफ डी की जो डिक्शनरी है उसकी मुझे लिस्ट बनाओ, तो लिस्ट देखो, देखिए किस चीज की आई, सारी कीज की लिस्ट आई, सारी कीज की लिस्ट आई, वैल्यूज की नहीं आई। तो जैसे यहाँ पे लिस्ट बनाने पे सिर्फ कीज की लिस्ट आ रही है, वैसे अगर हम लोग सिर्फ मैक्स लिखेंगे तो वो कीज में से मैक्सिमम देगा, मिनिमम लिखेंगे तो वो कीज में से मिनिमम देगा। सिमिलरली अगर मुझे किसी एलिमेंट को निकालना है तो del ऑफ डिक्शनरी जिसकी की है 1, उस एलिमेंट को निकाल दो। ठीक है भाई, मैंने अपनी डिक्शनरी को चेक किया तो देखिए डिक्शनरी जिसकी की 1 थी वो निकल चुका है। मैंने क्या कहा, डिलीट ऑफ डी जिसकी की क्या है, हेलो, सॉरी की हेलो नहीं है, की है फॉल्स, वो एलिमेंट निकाल दो जिसकी की क्या है, फॉल्स। तो अगर आप अपनी डिक्शनरी चेक करो तो देखिए यहाँ पे आपका आइटम निकल चुका है, डी डॉट अंडर स्कोर डेल आइटम। डेल आइटम बैकएंड में फंक्शन कॉल होता है, और मैंने इसमें क्या कहा, यहाँ पे मुझे देना है उसकी की, ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या देंगे की 1234.56 जिसकी की है वो एलिमेंट निकाल दो। अब आप अपने डी को देखेंगे तो सिर्फ एक एलिमेंट आपके पास रह गया है जो है ये। फिर अब आप हमारे पास आते हैं स्पेशल फंक्शंस डी के, तो डी डॉट मैंने दबाया यहाँ पे टैब, टैब दबाने के बाद सारे फंक्शंस आ जाएंगे हमारे पास। सबसे पहला फंक्शन है क्लियर, तो डी डॉट क्लियर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरी हमारी क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। मैंने फिर से यहाँ पे क्या किया, जो डिक्शनरी मैंने बनाई थी मैं उसको कर रहा हूँ यहाँ पे कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं नीचे आया, यहाँ पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल्स टू डी की, मतलब डी में जो भी चीज है उसको ए में रख दो। तो ए में देखिए ये है, डी में भी ये है। मैंने क्या कहा, डी में एक नई की बनाओ जिसको रख दो 45, और उसकी वैल्यू तुम क्या रखो, वैल्यू रख दो अमित। तो देखिए डी हमारे पास एक की आ गई 45, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, अमित। लेकिन क्या ए में भी ये चीज आ गई? यस ऑफ कोर्स, ए में ये चीज आ गई। क्यों? इसका कॉन्सेप्ट मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है कि कॉल बाय रेफरेंस यूज होता है। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हुआ इस डिक्शनरी के लिए, तो जिस मेमोरी लोकेशन पे डिक्शनरी अवेलेबल है ये चेंज उस मेमोरी लोकेशन पे हुए। हमारे वेरिएबल में सिर्फ उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है, तो अगर उस मेमोरी लोकेशन पे कोई भी चेंजेस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों वेरिएबल पे दिखाई देंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल टर्म्स में समझाऊं कि ए और डी दो भाई हैं, अगर इनके घर में एसी आई तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के घर में एसी आई ना, तो ये जो डिक्शनरी है ये किसी मेमोरी ब्लॉक किसी घर में रखा हुआ है। इस डिक्शनरी में अगर मैंने कोई आइटम जोड़ा, उस घर में कोई चीज ऐड हुई, तो वो दोनों भाइयों के लिए हुई ना, तो यही सेम चीज है यहाँ पे। देखिए दोनों का आईडी सेम है, लेकिन अब मैंने क्या किया, ए इज इक्वल्स टू डी डॉट कॉपी। अब मैंने डिक्शनरी को क्या किया, कॉपी किया, और अब मैंने लिखा डी के अंदर एक नया बनाओ नेम नाम से की बनाओ और उसकी वैल्यू क्या रख दो, पाइथन। तो अब आप देखोगे डी उसमें आ गया, लेकिन क्या ए में आया?
नहीं आया। अब आप चेक भी मार सकते हो, आईडी ऑफ ए कॉमा आईडी ऑफ बी, दोनों की आईडी इस बार हमारे पास डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम कीज, मैंने लिखा ए डॉट फ्रॉम कीज फंक्शन हमारे पास है। फ्रॉम कीज ऑफ मैंने एक स्ट्रिंग दिया हेलो, तो इसने देखिए क्या किया, H को एक की बनाया, E को एक की बनाया, L को एक की बनाया और O को एक की बनाया। दो बार L को क्यों नहीं बनाया, क्योंकि की हमेशा यूनिक होगी, याद रखिएगा की रिपीट नहीं होगी, की हमेशा यूनिक होगी। तो अगर हम किसी स्ट्रिंग से कोई चीज बनाना चाहते हैं, किसी कोई की बनाना चाहते हैं, तो हम लोग फ्रॉम कीज फंक्शन का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा ए डॉट फ्रॉम कीज ऑफ रेंज ऑफ 1.6, कि एक से लेके 5 तक रेंज फंक्शन चलाओ और उसकी डिक्शनरी बना दो। तो देखिए 1 की आ गया, 2 की आ गया, 3। ये नन का मतलब क्या है, इस नन का मतलब है कि इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है, अभी ये एम्प्टी है, इसलिए मुझे ये क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है एक नन वैल्यू। सिमिलरली अगर मुझे एक लिस्ट से डिक्शनरी बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने लिखा d इज इक्वल्स टू डिक्ट ऑफ dict dot from keys, अब इस from keys के अंदर मैंने क्या दिया, मैंने दिया एक dictionary, sorry list, और इस list मैंने क्या रखा 12 45 67 23.45 and 2 + 3 j, ये मैंने रख दिया। अब आप अगर d को देखोगे, इस list के हर एक element से इसने keys बना के आपको दी है। अब मुझे इसकी किसी value को change करना है, मैंने लिखा dictionary में जहां पे की हेलो है वहां पे तुम वैल्यू क्या रख दो 2000। अब आप मेरी डिक्शनरी देखो, जहां पे की हेलो है वहां पे की है, जहां पे की हेलो है वहां पे वैल्यू आ गई हमारे पास 2000। लेकिन अभी आपके पास क्या आ रहा है, जो वैल्यू है वो आ रही है नन, मतलब उस जगह पे कोई वैल्यू नहीं जा रही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी है, तो अब फिर क्या किया जाए, मैंने लिखा ए डॉट फ्रॉम कीज, फ्रॉम कीज में मैंने क्या लिख दिया ए बी सी डी ई एफ, की इस स्ट्रिंग से की बनाओ और इसकी वैल्यू क्या रख दो, वैल्यू रख दो। अगर आपको वैल्यू समझ में नहीं आ रहा तो आप रख दो 89 की, वैल्यू की जगह पे तुम क्या रख दो 89। तो देखिए वैल्यू अब एम्प्टी नहीं आई, अब हर एक कैरेक्टर से इसने की बनाया और उसके आगे वैल्यू इसने क्या रख दिया 89। चलिए मैं डिक्शनरी को कॉपी मार रहा हूँ यहाँ से, ऊपर से जो हमारे पास डिक्शनरी थी, ये एक डिक्शनरी है, मैंने इसको लिख लिया ये। अब मेरे पास ये डिक्शनरी आ चुकी है। हाँ, मैंने आपको तरीका क्या बताया कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी ऑफ उसकी की का नाम लिख दो यहाँ पे, डी ऑफ फॉल्स, और आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। एक और तरीका है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं, वो तरीका क्या है, डी डॉट फ्रॉम कीज के बाद मेथड है गेट। अब इस गेट के अंदर आपको डालनी है की, मैंने कहा 11, तो डी डॉट गेट 11, 11 की वैल्यू क्या है हेलो। ये फंक्शन भी देखिए यहाँ पे हमारे पास मिल चुका है, जो काम आपका इस तरह से है वही काम आपका कौन सा फंक्शन करेगा, जीटी मेथड करेगा, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डी डॉट आइटम्स, डी डॉट आइटम्स का काम क्या है, आपकी डिक्शनरी में जितने भी आइटम्स हैं उनको एक लिस्ट के रूप में आपको दिखा देगा। ये क्या है, एक टपल ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स है, टपल ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स। आप सबसे पहले देखेंगे बाहर क्या है, ये टपल है, फिर उसके अंदर एक लिस्ट है, फिर उसके अंदर क्या है, हर एक एलिमेंट एक टपल के फॉर्म में है, तो ये टपल ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स है। तो डी डॉट आइटम्स मतलब सारे आइटम्स दिखाना। डी डॉट कीज, डी डॉट कीज क्या करेगा, आपकी डिक्शनरी की सारी कीज दिखा देगा आपको, आपकी डिक्शनरी में जितनी भी कीज है ये सारी कीज आपके सामने विजिबल हो जाएंगी। इसी तरह हमारे पास है डी डॉट वैल्यूज, तो अगर आप वैल्यूज को देखना चाहते हो तो जितनी भी हम कीज से सारी कीज देखेंगे और वैल्यूज से हम लोग सारी वैल्यूज देखेंगे। अब मैंने लिखा यहाँ पे डी डॉट पॉप, और अच्छा एक चीज और मैंने अभी तक आपको चीज नहीं बताई, अगर आपको किसी चीज के बारे में जुपिटर पे नॉलेज नहीं है तो आप उसके सामने लिखो सिर्फ क्वेश्चन मार्क और उसको करो आप एग्जीक्यूट। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो देखिए आपके सामने डॉकस्ट्रिंग अवेलेबल होगी, आप इसको पढ़ के देख सकते हो समझ सकते हो। तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा था कि पॉप में एक्चुअली आर्गुमेंट होता क्या है, तो मैंने क्या किया क्वेश्चन मार्क लगाया, देखा, अब मुझे यहाँ पे याद आ गया कि भाई हमें पॉप के अंदर क्या देना है, देना है की। तो मैंने ठीक है मैंने यहाँ पे लिखा 11,
ओके, तो हेलो हमारा निकल चुका है। अब हम लोग अपनी अगर डिक्शनरी देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए जहाँ पे 11 की था वो आइटम हमारा हो गया पॉप, डी डॉट पॉप आइटम। तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट से एक एक करके सारी वैल्यूज आपके सामने निकाल देगा। तो देखिए सबसे पहले लास्ट में क्या था, नेम था, फिर 45, इसी तरह एक एक करके लास्ट से सारी वैल्यूज आपका निकाल देगा। पॉप आइटम का काम क्या है, लास्ट से वैल्यू निकालना। वहीं पॉप का काम क्या है, जो आप की दोगे उसके बेसिस पे वैल्यू को निकालना। नेक्स्ट हमारे पास है डी डॉट सेट डिफॉल्ट। तो सेट डिफॉल्ट, अगर मेरी डिक्शनरी में कोई की है, सपोज डेट मेरी डिक्शनरी में की है 1, और मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी, मैंने दे दी यहाँ पे 5000। तो इसने मुझे क्या दिखाया, यहाँ से देखिएगा हेलो, कि मतलब अगर आपके पास कोई की पहले से मौजूद है तो ये उसकी वैल्यू में कोई छेड़खानी नहीं होगी। अगर आपके पास कोई की पहले से है तो उसकी वैल्यू में कोई छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे पास कोई की पहले से नहीं है, सपोज डेट 2, मेरे पास की नहीं है पहले से, तो इसकी वैल्यू देखिए इसने क्या रख दी, 5000। अब आप देखिए एक 2 की आपके पास आ गई, इसकी वैल्यू हो गई 5000। तो सेट डिफॉल्ट का काम क्या है, अगर आपके पास कोई की पहले से है तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी जो पहले से है, लेकिन अगर आपको कोई नई वैल्यू रखनी है तो ऐसी की आपने रखी जो डिक्शनरी में नहीं है तो आप वैल्यू रख सकते हो। लास्ट हमारे पास है अपडेट। तो मैं अपडेट पे गया और मैंने डिक्शनरी में अपडेट करने को क्या कहा कि मेरी डिक्शनरी में भाई तुम जोड़ दो। क्या जोड़ दो, मैं दिखाता हूं मैंने क्या कहा, यहां पे तुम जोड़ो नेम कोलन अमित, क्या है नेम, सॉरी ये स्ट्रिंग आएगा एक्चुअली अमित। अब आप मेरी डिक्शनरी देखेंगे तो मेरी डिक्शनरी में ये चीज अपडेट हो चुकी है, मतलब मेरी डिक्शनरी में एक एलिमेंट और हमारे पास आ चुका है। ये तो थे हमारे पास कुछ फंक्शंस डिक्शनरी के। अगर मैं यहाँ पे आपसे, मैं डिक्शनरी का आप मुझसे यूज पूछोगे कैसे हम लोग डिक्शनरी को यूज करेंगे, अगर सपोज डेट आपको एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालना है, एक स्टूडेंट हो उसके सामने उसके मार्क्स हो, तो आप कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे, आई गेस आप डिक्शनरी यूज करोगे। कैसे, चलिए देखते हैं। मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, फिर मैंने क्या कहा फॉर आई इन रेंज ऑफ 2, कि मतलब हमारा लूप दो बार चलेगा 0 और 1 पे। मैंने क्या कहा, डिक्शनरी में लिखा इनपुट ऑफ एंटर नेम, ये मैंने दे दिया, और इसके सामने मैंने रख क्या दिया, इंटीजर ऑफ इनपुट ऑफ, और मैंने यहाँ पे क्या क्या दिया, एंटर मार्क्स। अब आप मुझे समझाएंगे कि पहले कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इनपुट मार्क्स वाला या इनपुट नेम वाला। तो आप सोचिए, हम मैं देखता हूं यहाँ पे सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, मार्क्स वाला। पहले मैंने लिखा, नाम दिया 65 और नेम मैंने डाल दिया अमित, फिर मैंने नेम दिया 95 और मैंने नाम डाल दिया यहाँ पे अंकुर। अब अगर आप मेरी डिक्शनरी देखोगे ना यहाँ पे, तो देखो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, अमित के सामने उसका 65, अंकुर के सामने 95। ऐसा क्यों हुआ, पहले मार्क्स क्यों एग्जीक्यूट हुआ, मार्क्स पहले इसलिए एग्जीक्यूट हुआ कि हमेशा पहले RHS की वैल्यू एग्जीक्यूट होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो पहले RHS एग्जीक्यूट हुआ, फिर LHS एग्जीक्यूट हुआ। अगर आप चाहते हो कि पहले नेम आए फिर आप मार्क्स लिखो, तो हमें बस करना क्या है, यहाँ पे मैंने इस डिक्शनरी को यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, मैंने इसको नीचे लाया, नीचे लाने के बाद जो नेम है ना, मैंने इसको कहाँ असाइन किया, एक के नाम के वेरिएबल में, और ये डिक्शनरी निकाल दी मैंने, और डी ऑफ के, कि डिक्शनरी में जो जहाँ पे वैल्यू के है, जहाँ पे की के है उसकी जगह पे क्या रख दो तुम, मार्क्स। अब आप देखिएगा, अब क्या आया, नेम, नेम में मैंने रखा अमित, मार्क्स दिए 95, और इसमें मैंने रख दिया अंकुर, मार्क्स दिए 50। अब आप मेरी डिक्शनरी यहाँ पे चेक करो, तो देखिए पहले नेम आया फिर मार्क्स आया। गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो डिक्शनरी पे अच्छी लगी हो और आपकी पाइथन की नॉलेज में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट हुआ हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे पाइथन ट्यूटोरियल की एक प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है,
इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को आप देखें, उन्हें लाइक करें, उन्हें शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।